हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो अगर आपने Realme 3 Pro ले लिया है तो यहां पर Realme 3 Pro के ऊपर एक आपको प्रोटेक्शन देखने को तो मिल जाती है, लेकिन वो प्रोटेक्शन जो है ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। यहां पर मैं आपको एक टेम्पर ग्लास सजेस्ट करने वाला हूं जो आप अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं। और ये जो टेम्पर ग्लास होगा ये एक ट्रांसपेरेंट टेम्पर ग्लास होगा। ट्रांसपेरेंट टेम्पर ग्लास जो होता है वो फुल स्क्रीन को कवर नहीं करता है, थोड़े से जो एजेस हैं वो खाली रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम टेम्पर को बाहर निकाल लेते हैं और ये रहा टेम्पर ग्लास। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है, तो ये वाला हटा देते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो टूट गया था मुझसे, ठीक है। तो अगला वाला देखते हैं, ये रहा। ओके, ये एकदम फाइन है और ये आपको अमेज़न पे लिंक मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, आप अमेज़न से ले सकते हैं। तो सबसे पहले पुराना वाला जो है वो उखाड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, ये आसानी से नहीं निकलता है। तो थोड़ा आपको मेहनत करना होगा इसको निकालने के लिए। और जब आप ये वाला फ्रेम हटा दो, लाइक देखो मैंने हटा लिया, ये हो गया और ये हो गया, ओके। तो ये फ्रेम तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाई ये ग्लास नहीं है, यानी अगर आपका फ़ोन गिरता है तो आपको कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलने वाली है अपने फ़ोन के लिए, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कोई भी टेम्पर ग्लास, चाहे ये हो, चाहे फिर फ़ोन स्क्रीन वाला हो, या कोई भी और टेम्पर ग्लास, इस पर ज़रूर से लगा लीजिए। टेम्पर ग्लास लगाना बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में लगा के दिखाऊंगा। तो ऐसे रख लेते हैं, इसको स्क्रीन में लॉक कर देता हूँ ताकि टेम्पर ग्लास लगाने में दिक्कत ना हो। इसका एक क्लीनर आता है जो इसके अंदर रहता है, वाइप्स 1 और 2। तो 1 से पहले आपको इसको रब करना है और फिर 2 से रब करना है, तो ये क्लीन हो जाएगा। मेरा वाइप खत्म हो गया है तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी इस डिस्प्ले पर कोई गंदा वगैरह है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लगाते वक्त आपको नॉच का बस ध्यान रखना है कि नॉच को देख लीजिए, नॉच एकदम सही हो, मिड में हो, और नीचे के जो लाइनिंग से वो मिड में हो। उसके बाद इसे आप प्रेस कर दीजिए, फिर जो है ये अपने आप जितना भी एयर अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पर वो सारा का सारा जो है गायब हो जाएगा। अगर सपोज दैट कि एयर नहीं गायब होता है, ज़रा सा रह जाता है मान के चलिए, तो आप जो है इसको फिर से हल्का सा ऐसे उखाड़िए, लाइक देखो। कल मैंने जो है अपना नेल्स कट कर लिया था तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। ओके, तो ये जो है अब परफेक्टली कनेक्ट हो गया है फ़ोन पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और आसानी से हम लोग इसे यूज़ कर पा रहे हैं। टच सेंसिटिविटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला टेम्पर जो है इसमें एज टू एज प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, जैसा कि आप देख रहे हो फुल स्क्रीन जो है कवर हो गया है इसके अंदर। तो गाइज़ आप ये टेम्पर ले सकते हैं अपने फ़ोन के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हालांकि ये एज हल्का सा इधर नीचे की ओर बाहर आ गया है, बट अगर इसे थोड़ा सा ऊपर करके लगाया जाए तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी, मुझे जैसा यहाँ पर समझ में आया है देखने में। बाकी फुल एज टू एज प्रोटेक्शन है, और देख लेना आपको कैसा लगता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, होप आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये वाला आप एक पीस फ्री में जीत सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है। इस वीडियो की लिंक को आपको फेसबुक पर शेयर करना है, और शेयर की गई पोस्ट की लिंक आपको वापस से आकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देनी है, कमेंट सेक्शन में डाल देनी है। जैसे ही वीडियो पे 5000 व्यूज़ हो जाएगा मैं विनर रैंडम कमेंट पिकर से अनाउंस कर दूंगा, और उसको बाय पोस्ट एक पीस टेम्पर ग्लास चला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे रूल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है साफ साफ, तो आप पढ़ लेना। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को दबाइए ताकि आप देख सके हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो सबसे पहले। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर ज़रूर से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको Y2 की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, हर तरह की Y3 की नोटिफिकेशन मिलती रहे, सॉरी।